एक बार फिर बेअदबी हुई है गुरद्वारा साहब एड्रैस शहर तुहानू पता होना है क्योंकि मैं बहुत जल्द दे विच प्रोग्राम जिहड़ा हैगा कर रहा तुसीं उहदे बारे जानकारी दे दिओ। गिरफ्तारी तो बाद भी मंजर यह होया भी पहला जिहड़ा दोषी है उहने पाठी सिंह नूं भी कुटिया फिर बाद च रल के सारे ने दोषी नूं भी कुटिया। सो यह की मतलब कि काफी लॉन्ग टाइम बाद हुई है कितने अमृतपाल सिंह होर वाली घटना दे नाल कोई इहदा संबंध तां नहीं कितने उहदे उत्ते पर्दा पाउण लई आ चीज चक्कदे हो अगले दिन नैक्सट डे ताकि वो शांत हो जाए चीज वह लोगों के मन चो विसर जाए। सो भाई साहब इंसीडेंट इदा होया कि मरिंडे फतेहगढ़ साहब जिथे के छोटे साहबजादियां नूं कैदी बनाया सीगा उस टाइम दी जालम सरकार ने ते उथे एक बंदा हुंदा उहदे उहदा दस्तार बन्नी हुंदी है ते शू पा के अंदर आ जांदा ते इहदा इशारे कर रहा मतलब भी बाहर निकलो हना पाठी सिंघां नूं। सो दो पाठी सिंह बैठे हुंदे आ आ ही लगदा देखण नूं कि दो महाराज दे सरूप ने हना दैन फिर आ के पाठी सिंह नूं एक नूं अटैक करदा ते फिर दो पाठी सिंह बैठे होंदे आ हुण मैनूं याद नहीं कि दूजे नूं अटैक कीता कि नहीं पर फिर महाराज दे सरूप नूं जिता नहीं आए बेअदबी कर दिंदा हना ते फिर बाद च वीडियो आउंदी है कि हुण मैनूं एंड रिजल्ट हजे भी नहीं पता क्योंकि हुण ही इह चीजां बाहर आईआं जानी अपनी वीडियो स्टार्ट करने तो पहला पर ओनू फिर हाँ जी ओनू ओदी सेवा हो रही होंगी है ना वीडियो च जानी कुटिया जा रहा विच किनों संगत फिर करूगी ओही इन्ने तुसी बुरी तरह उन्होंने सिंघां दी दस्तारां भी लाती महाराज की भी बेअदबी करती। सो मेरी सोच यह सी तुसी पता नहीं की सोच रहे मैनू यह लगता कि आपां नूं ना जिहड़ा अपना टारगेट हुंदा जिहड़ी अपनी फोकस हुंदी आ उहनूं तोड़ना हुंदा जिदा अपने किन्ने मोर्चे लगे सी पाणियां दा भी मोर्चा लग्या बंदी सिंघां दी रिहाई दा मोर्चा भी लग्या सी खालसा विहीर भी चल रही सी सारा ही रुड़ गया हुण कोई पता नहीं आपां कित्थे खड़े आ जणी तौलदे आपां पंज सिंघां नूं रिहा कराउण नूं 100 होर फड़ लैंदे आ मतलब ध्यान डाइवर्ट कर दो करके स्मॉल परसेंटेज ही होने पहले ही अपनी गिनती थोड़ी फिर स्मॉल परसेंटेज होंगे जेडे काम करते होंगे उन्होंने ध्यान होर पासे भेज दो। मैनू यह लगता किसानी मोर्चे तो बस वाकई बड़े चिर बाद एडा इंसीडेंट होया बेनती करते कुछ नहीं रखिया जेडे भी जिदा भाई अमृतपाल सिंह खालसा विहीर भी हैंडल किया जा रहा है या वारिस पंजाब भी दबाने की कोशिश की जा रही है भाई साहब न जथेबंदी मूवमेंट नूं दबाउण दी गल नहीं है जिहड़ी सिख सोच आ जां जिहड़े आम जिहड़े पीस लविंग जां जिहड़े नहीं इक्वालिटी चाहुंदे आ जां फ्रीडम चाहुंदे आ लोक उहनां दी सोच आ इह दबाई नहीं जा सकदी इहदे च सरकारां दा ही नुकसान आ। असीं इह बेनती करदे आ तुसीं रल के चलो सही चलो मैनूं तां इह लगदा कि गांह कितें इलैक्शन हो गई इहनां नूं कितें वोटां नहीं पैणियां हुण तो बहुत संभल के चलन की लोड़ आ इह दंद लोग दबाया नहीं जांदे जो प्रैशर जो बढ़ता ना फिर होर भी एक्सप्लोसिव हुंदा रिएक्शन है ना तुसीं बाकी देख लो मैनूं तां इह लगदा कि इह सारा रलिया मिलिया जे कोई प्लान आ। बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी बेअदबी के बहुत केस जिहड़े ने 400 तों 500 तक बेअदबियां पिछले 5-7 सालां दे विच होईआं आपां ऑलमोस्ट कह लईए कि किसी भी बेअदबी के कोई भी दोषी चंगी तरह फड़े नहीं गए कि आखिर कौन सी जदों कोई फड़िया जांदा है तां फिर वह कह दिता जांदा है कि इहदा दिमागी संतुलन जिहड़ा खराब सी। सो मतलब कि एक भड़काण वाली जिहड़ी है एक नीति कि भड़काया जाए फिर अग लगे फिर उहदे तों वोटां लईआं जाण फिर पंजाब दे विच नुकसान होवे नौजवान जिहड़े ने उह दूसरे राह पै जाण हथियारबंद संघर्ष लैण सो फिर इन्हां नूं मारिया कुटिया जावे सोधे लाए जाण इन्हां दे एनकाउंटर बनाए जाण। सो उहो ही कुछ मैनूं लगदा भी विरोधी जां फिर जिहड़े दुश्मन है उह चाहुंदा है। सो इहदे तों सुचेत भी होणा है इन्ने सियाणे होण दी भी लोड़ है सानूं अपने गुरद्वारा साहिबानां दे लई सानूं बिल्कुल प्रिपेयर होण दी लोड़ है कि किवें किहड़ियां टैक्नोलॉजीज अज टैक्नोलॉजी दा जमाना है किवें किवें आपां इह सारी चीज़ां रख सकदे हां क्योंकि जदों तुहानूं पता ही है कि इह होणियां चीज़ां
ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਵੋ। ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।